ऑपरेशन अमृतपाल, खालिस्तानी होंगे खलास। जगह जगह छापा, अमृतपाल कहां छिपा? अमृतपाल फरार, जुड़े आईएसआई सितार। अठहत्तर साथी गिरफ्तार, अमृतपाल पर लटकी तलवार। पूरा पंजाब छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। हर आने जाने वालों पर पुलिस गिर्द की नजर रख रही है। कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है, तो कई जिलों में हाई अलर्ट है। ये सब किया जा रहा है वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए। ये वही अमृतपाल है जो बीते कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर लोगों को भड़का रहा था, देश की एकता को चुनौती दे रहा था, हथियारों से लैस साथियों के साथ लोगों को डरा रहा था, खुलेआम खालिस्तान समर्थन की बात कर रहा था। उस अमृतपाल को दबोचने के लिए पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। यही वजह है कि गिरफ्तारी के डर से अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस हर मुमकिन जगहों पर छापेमारी कर रही है। अमृतपाल के 78 साथियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी अमृतपाल पर शिकंजा कसना बाकी है और इसलिए पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने पंजाब के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई है, जिनमें मुक्तसर साहिब, मोगा, फरीदकोट और फाजिलका शामिल है। दोपहर तक इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है, साथ ही अमृतपाल के गांव की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अमृतपाल के साथियों पर पुलिस के एक्शन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल के साथियों की गाड़ी को रोकते और गिरफ्तार करते नजर आ रही है। शनिवार को अमृतपाल के खिलाफ पूरे पंजाब में पुलिस ने बड़ा एक्शन चलाया। जालंधर और मोगा में अमृतपाल सिंह को पकड़ने का मिशन चला, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसके बाद पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। हालांकि उससे पहले अमृतपाल की दो लग्जरी कार जब्त कर ली गई, गनर को गिरफ्तार किया गया, अमृतपाल का फाइनेंसर दलजीत कलसी को दबोचा गया, 78 समर्थकों की गिरफ्तारी हुई। एक्शन के दौरान पुलिस ने कई हथियार भी जब्त किए। वो पगोड़ा होया, पंजा होया, ते ऐसी कोशिश कर रहे हैं ते जल्दी उन्हें फड़ लेंगे। तो कौन कौन सी फोर्सेस लगाई है, कोई मिला नहीं? सर, पंजाब पुलिस ही हैगी, पंजाब पुलिस ही लगी हुई है, ते उदे जेड़े सारे गनमैन है, जेड़े सारे संगी साथी है, दोनों जेड़ी गड्डियां हैगी है, वो असी राउंड अप कर ली, ते सारे बंदे असी रेस्ट कर ले, ते जल्दी इन्हों भी असी रेस्ट कर लेंगे। अमृतपाल को भगोड़ा घोषित करने के साथ ही पुलिस उसे जल्द दबोचने का दावा कर रही है। टोटल तो पंजाब च 78 दे आसपास हैगे जिहड़े इहदे गनमैन हैगे नेड़े तेड़े वाले, जिहड़े इहदी दोनों गड्डियां च चलदे सीगे, ओह भी असीं सारे रेस्ट कर लए। एक तरफ जहां अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और उसे पाकिस्तान के आतंकियों से फंडिंग मिलती थी। बताया ये भी जा रहा है कि अमृतपाल खालिस्तानी लखबीर सिंह रोड़े के भी संपर्क में था। अमृतपाल के धरपकड़ में जुटी पंजाब पुलिस को अब केंद्रीय बलों का साथ मिला है। जालंधर में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, पूरे पंजाब में केंद्रीय बलों ने कमान संभाल ली है, तो वहीं गृह मंत्रालय पूरी हालात पर नजर बनाए हुए है।